फरवरी में थोक महंगाई दर 27 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जनवरी के मुकाबले ये बढ़कर दोगुनी हो गई। इस बढ़ोतरी ने सबको परेशान किया है। आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ गया है। महंगाई के इस कदर बेकाबू होने से अब बाहर से बना खाना पीने का सामान खरीदने के लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। मेरे हिसाब से थोक महंगाई दर का दुगना होना कोई धक्का नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में पेट्रोल, डीजल, गैस इन सब के प्राइसेस बढ़े हैं, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट कंप्लीट वैल्यू चेन पर होता है, जो कि प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन खाने पीने के सामान के अलावा भी ज्यादातर सामानों की महंगाई दर फरवरी में लोगों की जेब पर भारी पड़ी है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में सरकार के लिए काफी चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक तरफ किसान की इनकम दुगनी करने की फोकस है या टारगेट है, दूसरी तरफ इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे रहेगा। इसके